गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। मेदिनीनगर स्थित कांग्रेस भवन में कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता ने उनकी प्रतिमा पर अश्रुपूर्ण नयनों के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विनोद तिवारी ने किया। मौके पर प्रदेश सचिव श्याम नारायण सिंह ने राजीव गांधी के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत देश को उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए जो भी कार्य किया वो अविस्मरणीय है। उन्होंने जवाहर रोजगार योजना, पंचायती राज अधिनियम जैसे कई योजना भी लागू किए। मौके पर रामाशीष पांडे, पप्पू अजहर, बसंत सिंह, समीम अहमद, जीवन सिंह, विश्राम दुबे, रिजवान खान, नसीम हैदर, गोपाल शर्मा, विकास कुमार, तपेश्वर प्रसाद, जितेंद्र कमलापुरी, शेख खान, सिंहनाथ प्रसाद, जिशान खान, लक्ष्मी तिवारी सहित कई कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। आज पलामू जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में राजीव गांधी जी की 27वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आज के ठीक 27 वर्ष पहले हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की मद्रास में हत्या कर दी गई थी और यह हत्या जो है उनको अलगाववादियों और आतंकवादियों के विरोध में काम करने के कारण उनकी हत्या हुई थी। राजीव गांधी हमारे आज़ाद हिंदुस्तान के एक ऐसे महापुरुष के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने इस देश के नवनिर्माण के लिए, इस देश के पुनरुद्धार के लिए और इस देश के लोगों के समृद्धि के लिए जो इस देश में काम किया है वह अब इस विस्मरणीय है। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।